ब्रिटेन और नाइजीरिया के बाद अब जर्मनी में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी स्ट्रेन मिला है। हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट अभी ये पता नहीं कर पाए हैं कि यह कितना संक्रामक है। दक्षिणी जर्मनी में मिले कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से अब तक 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट का कोई नाम भी नहीं बताया है। दक्षिणी जर्मनी के बावरिया स्थित गार्मिश पार्टेन कर्शेन क्लिनिक के प्रबंध निदेशक पैंक नीडरबुल ने जर्मन मीडिया संस्थान डायचे वेले को बताया कि अभी तक इसकी संक्रामकता के बारे में पता नहीं पाया है। हो सकता है कि यह पुराने सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक हो। फिलहाल इस वायरस को जीनोम सीक्वेंस का अध्ययन किया जा रहा है। डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर क्लीमेंस स्टॉक लॉसनर ने कहा कि फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इसके पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के परिणाम आने तक इंतजार करना होगा। हमें अभी यह देखना है कि इस नए म्यूटेटेड कोरोना वायरस का क्लिनिकल रिलेवेंस कितना है, यह कितना संक्रामक है, क्या इस पर पुरानी वैक्सीन का असर होगा या नहीं। आपको बता दें कि नए कोरोना वायरस से संक्रमित 35 लोगों का सैंपल जांच के लिए बर्लिन के शेराइट हॉस्पिटल में भेजा गया है। क्लीमेंस स्टॉक लॉसनर ने कहा कि ब्रिटेन और नाइजीरिया में मिले कोरोना के वेरिएंट से जर्मनी का कोरोना वेरिएंट अलग है। हालांकि अभी तक इसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन यह संक्रामक हो सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।